मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा थाना क्षेत्र में किरण टागिज के पीछे रहने वाले युवक अनिल मीणा 3 तारीख से लापता हुआ था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मंडी थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस को जांच में युवक की मोटरसाइकिल चंबल तट स्थित कुंड के पास पुलिया पर मिली थी और पुलिस जांच कर रही थी। आज अनिल का शव चामुंडा मंदिर कुंड पर तैरता हुआ मिला। युवक 3 दिनों से लापता था। युवक का शव मिलने से परिवार में मातम छाया हुआ है। 3 तारीख को 11:30 बजे के लिए अनिल पिता बाबूलाल मीणा, उम्र करीबन 40 साल, किरण टागिज के पीछे रहते हैं नागदा में। इनके परिजनों द्वारा गुमशुदगी कायम कराई थी कि चामुंडा माता के पास मंदिर है और रपट है, छोटी पुलिया है, वहाँ पे इनकी मोटरसाइकिल खड़ी मिली, तो गुमशान कायम किया गया था। आज सुबह 7 बजे करीबन वहाँ से चामुंडा माता मंदिर के पास में जो चंबल नदी में कुंड है, वहाँ पे एक लाश तैरती हुई दिखाई दी, जिसको बाहर निकलवाया तो जानकारी लगी कि जो गुमशुदा अपने यहाँ अनिल पिता बाबूलाल मीणा है, उसी की डेड बॉडी है। तो उसमें मार्क कायम कर लिया है, PM करा लिया गया, पूरा प्रकरण भी जांच में लिया गया है। सर, इसमें कुछ मामला मालूम पड़ा, किस मामले में लेकर बात? मैं अभी ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि परिवारजनों से कुछ रोक टोक हो गई थी, परिजनों से इसके तारतम्य वो चला गया था बिना बताए, और अभी पूरा मैटर जाँच में है, इसमें जाँच की जा रही है।